हेलो गाइस, नमस्कार। आज अपन देखने जा रहे हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है, क्या मैकेनिज्म है। बेसिकली ये थ्योरी तो पोटेशियम मैलेट थ्योरी कहलाती है, लेकिन क्या फंक्शन है इंटरनल, क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये अकर होती है, उसको आज अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्टोमेटा का। ठीक है, जो नीले नीले कलर से बन रही है सब्सिडरी सेल है। ठीक है, मेरी ड्राइंग को माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा ऐसी ही है वो। ठीक, और जो ग्रीन कलर से बनी है वो है, I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? ये क्या हो गया। तो जो ग्रीन ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ वो है गार्ड सेल। ठीक है, इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए मैं ग्रीन बनाया हूँ इसको। और बाकी एपिडर्मल सेल में, ऑल एपिडर्मल सेल एब्सेंट क्लोरोप्लास्ट, बाकी किसी में नहीं होता, केवल गार्ड सेल में होता है। ठीक है, और इनको कहते हैं जो साइड में इनके सेल बनी है ब्लू कलर से, ये है सब्सिडरी सेल। इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, अब गार्ड सेल की थोड़ी बात करते हैं। तो एक बार फिर से मैं गार्ड सेल बना लेता हूँ। देखो क्या सीन है इसका, मोनोकॉट में ये डंबल शेप है। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, ये डाइकॉट की बनाया हूँ मैं, किडनी शेप। ठीक है, किडनी शेप अंदर की तरफ जो है ये थिक है, बाहर की तरफ थिन है, थिक एंड इलास्टिक और रेडिली अरेंज्ड। इसमें रेडिली ऐसे अरेंज रहेंगे क्या, रेडिली अरेंज्ड, ध्यान रखिएगा ये, रेडियली लॉन्गिट्यूडिनली नहीं, रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफिब्रिल सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, अगर आप इसको फुलाएंगे, ठीक है, आप गुब्बारा लीजिएगा, उसमें एक साइड टेप बांध दीजिएगा तो वो वहाँ थिक हो जाएगा, जैसे यहाँ थिक है ऐसे उस साइड थिक हो जाएगा। फिर इसको फुलाइएगा तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देगा, एक साइड ज़्यादा फूल जाएगा, एक साइड नहीं फूलेगा। तो वही इसके साथ होता है, जैसे अगर इसको फुलाया जैसे, तो इस साइड थिक है तो इस साइड नहीं फूला, इस साइड एकदम बल्ज आउट हो गया, और इस साइड भी ऐसे बल्ज आउट हो जाएगा, तो यहाँ ओपनिंग रह जाएगी, तो उससे H2O बाहर निकल आएगा और CO2 अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये ओपनिंग का सिस्टम है, ये ओवरव्यू अपन ने देख लिया। अब ये इसमें क्या ऐसे चेंजेस आते हैं गार्ड सेल में जिसकी वजह से होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा और थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। ओपनिंग के समय क्या होता है, ये है गार्ड सेल। ठीक है, इसके साइड में ये सब्सिडरी सेल है। ठीक है, इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज किया। ठीक है, तो क्या होगा, वाटर कहाँ से मूव करता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ, लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ हाई वाटर पोटेंशियल रहेगा तो पानी गार्ड सेल में अंदर जाएगा, जैसे ही वाटर इन गार्ड सेल इंक्रीज होगा,
इंक्रीज गार्ड सेल टर्जेड हो जाएगी, टर्जेड मतलब फूल जाएगी। ठीक है, तो जैसे फूलेगी तो बताया ना मैंने, गुब्बारे की तरह यहाँ बल्ज आउट हो जाएगा और ओपनिंग हो जाएगी, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आकार। ठीक है, तो टर्जेड कंडीशन में ओपनिंग गार्ड सेल, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आएगा पेपर में, देखना गार्ड सेल कैसी रहती है ओपनिंग कंडीशन में टर्जेड। ठीक है, अभी इसके अपोजिट देख लेते हैं, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, इंक्रीज, ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, गार्ड सेल में इंक्रीज करने का मतलब है सब्सिडरी में इससे कम होगा, तो पानी बाहर, पानी बाहर, पानी बाहर। ठीक है, पानी बाहर होगा इससे पानी निकलेगा। ठीक है, गार्ड सेल से वाटर आउट, देन इट बिकम्स फ्लैसिड। अगर ये फ्लैसिड हो गई तो वापस अपना शेप रिगेन कर लेगी और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब क्या आएगा, नीट में, नीट में क्वेश्चन ये आएगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के समय गार्ड सेल क्या रहती है, फ्लैसिड, और ओपनिंग के समय टर्जिड, ओपनिंग के समय। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये बात हो गई सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल बढ़ता है कम होता है, अब ऐसा होता क्या है जिससे बढ़ता है। ठीक है, वो उस रीजन पे तो आपने बात की ही नहीं, तो उसका एक्सप्लेनेशन अपन को देते हैं, कौन, पोटेशियम मैलेट थ्योरी से मिलता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इस थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम अपना, बड़ी सी एक गार्ड सेल बना लो। ठीक है, और ये इसके साइड में सब्सिडरी सेल। ठीक है ना, अब देखो, तो आइए इसमें देखते हैं। अब ये गार्ड सेल, ये सब्सिडरी सेल, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें और बना लेते हैं। ये है अपना क्लोरोप्लास्ट, और एक दूसरे रंग से इसको ब्लैक कर देते हैं। ये है अपना वैक्यूल। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या बनेगा, स्टार्च, स्टार्च बना। ठीक है, स्टार्च कन्वर्ट हुआ पीईपी में, पीईपी क्या है, फॉस्फो इनॉल पायरूवेट। ठीक है, तीन कार्बन का, ठीक है, चाहे पायरूविक एसिड लिख के दो, एक ही बात है। इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, तो ये तीन कार्बन का कंपाउंड है पायरूविक एसिड। ठीक है, पायरूविक एसिड बाहर आता है CO2 से कंबाइन होता है। ठीक है, पेप बना लेता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, चार कार्बन का है, कितने कार्बन का, चार कार्बन का ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर ऑक्सलो एसिटिक एसिड में का रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब H प्लस का एडिशन। ठीक है, तो बनता क्या है, मैलिक एसिड। ठीक है, अब ये मैलिक एसिड अपना जो H प्लस था इधर छोड़ेगा, बनाएगा मैलेट आयन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, स्टार्च कन्वर्ट हुआ पीईपी में, पीईपी और CO2 कंबाइन हुआ, एंजाइम कौन सा इधर, एंजाइम पेपकेज, ये सब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर इसका रिडक्शन हुआ, बनेगा मैलिक एसिड, यहाँ से मैलेट आयन और H प्लस आयन।
अब बहुत ध्यान से देखना इधर, ठीक है। इधर लगा होता है एंटी पोर्ट, क्या लगा होता है एंटी पोर्ट, ध्यान से इधर, फोकस फोकस बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है, फोकस करो, ठीक है। तो तीन तरह के पोर्ट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक कोई आयन अंदर बाहर गया, अकेला सिंगल आयन, तो उसको कहते हैं यूनिपोर्ट, ठीक है। और एक चैनल है, चैनल से कोई एक आयन अकेला जाता है, उसको यूनिपोर्ट कहते हैं। दो आयन सेम डायरेक्शन, टू आयन सेम डायरेक्शन, उसको कहते हैं सेम पोर्ट। और तीसरी कंडीशन है, एक आयन ऐसे तो एक आयन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, टू आयन, ठीक है, इसको कहते हैं एंटी पोर्ट। तो यहाँ पे है एंटी पोर्ट। अब इधर से एच प्लस बाहर गया, ठीक है, तो अब एंटी पोर्ट है, दिखाया ना एंटी पोर्ट, तो एक इधर गया तो एक कुछ अंदर भी आना चाहिए। तो क्या आता अंदर, क्या आता है, इस थ्योरी का नाम क्या था, पोटेशियम मैलेट थ्योरी। तो अंदर क्या आएगा, पोटेशियम। अब सवाल ही बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि ट्रेजिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम आयन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ओपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम आयन रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे सवाल हैं भाई सब नीट के, ठीक है। कुछ चमत्कारी कहेंगे कि सर आपको कैसे पता ये सवाल है, अरे भाई यही तो चमत्कार है, बस देखते चलो तुम लोग। तो पोटेशियम इधर अंदर आया, अंदर आया, ये पोटेशियम और मैलेट आयन गए वैक्यूल में, ठीक है, वैक्यूल में गए, सॉल्यूट ज़्यादा हुआ तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। हाइपरटोनिक इधर हाइपो मान लो, ठीक है, तो H2 इधर, फिर इधर से इधर H2 आएगा सब्सिडरी से इस गार्ड में, गार्ड से हाइपोटोनिक, H2 H2 H2, फिर ए फर्स्ट ए टर्जिड होगा वैक्यूल टर्जिड, देन गार्ड सेल टर्जिड, और शेप चेंज हो जाएगा अपना, शेप चेंजेस, ठीक है। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा इतना तो, ठीक है। ऑक्सलोएस्टिक एसिड चार कार्बन का, मैलिक एसिड भी चार कार्बन का, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये कीटो एसिड है, ठीक है। इसमें एल्कोहल बन जाता है, जो कीटो ग्रुप रहता है ए वाला, इसमें OH हो जाता है वो मैलिक एसिड में, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये सब्सिडरी सेल है, इसमें एच प्लस ऐसे गए जंप हो गए। अब एक चीज़ आपको बहुत आपने पढ़ी होगी मिनरल न्यूट्रिशन में, नहीं हाँ पीजीआर में पढ़ी होगी, ठीक है, कि दो आयन होते हैं, दो पीजीआर होते हैं, एक तो होता है ABA एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, स्पेलिंग को माफ़ करना जो भी है, ठीक है, अरे यार जल्दी गलत हो गई तो, ठीक है, तुम लोग देख लेना। एब्सिसिक एसिड ये करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और एक होता है कौन सा, साइटोकाइनिन, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इनको तो भैया याद ही कर लेना, ठीक है। दिन में 10 बार, 10 बार रोज खाने से पहले, ठीक है, क्योंकि इनमें तो इतनी बार क्वेश्चन आया है कि जब भी क्वेश्चन आता है यहीं कहीं से क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। और आपको आप पूछते हैं सर आपको कैसे पता है, तो वही पता है ना यार, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी करता कैसे है ये भी, ये काम करता कैसे, तो ये जो एंटी पोर्ट है ना, एंटी पोर्ट, ए एब्सिसिक एसिड इस एंटी पोर्ट में बाइंड हो जाता है, ठीक है, क्लोजिंग करने के लिए। इस एंटी पोर्ट में जैसे ये बाइंड हुआ तो एच प्लस आयन बाहर नहीं जाएंगे, पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, और ये इधर भी नहीं जाएंगे, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो ओपनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। और यही साइटोकाइनिन इसको प्रमोट कर देता है, इसको ओपन कर देता है, ये क्लोज करता है, ये ओपन कर देता है,
सब एंटी पोर्ट पे ही लगे रहते हैं दोनों, यहीं से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और कुछ पॉइंट रह जाते हैं, एक चीज़ और, ये थ्योरी दी किसने थी? लेविट साहब ने। ठीक है, ये लिवाइस वाले नहीं है, ये लेविट साहब हैं। ठीक है, इन्होंने थ्योरी दी थी, सेल टर्जिट रहती है ओपनिंग के समय, आयन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पोटेशियम आयन। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो और कोई टॉपिक में अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और अगर और कुछ इशू हो आपकी प्रिपरेशन रिगार्डिंग तो अदर सोशल मीडिया पे मुझसे पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब वाली फॉर्मेलिटी भी कर दिया करो यार, देख के चले जाते हो तुम लोग। थैंक यू। एट लास्ट ऑल आई वॉन्ट टू से, कीप हसलिंग, कीप लर्निंग टिल यू ब्रिंग योर टाइम। जय हिंद।